दिखाओ जानो दिल की बाजी लगाओ मुश्किलों में रास्ते बनाओ है जनू तो तुम बढ़ते जाओ आंधियों से न घबराना कभी मंजिलों तक जम के जाना सभी मेहनतों से न घबराना कभी दुनिया देखे है इरादे जवान ओ जबरदस्त हो गया जी ये तो नहीं आप जिस तरह मुझे देख रहे हैं नहीं लग रहा मैंने सही कहा आप जजेस बेहतर बता सकते हैं जजेस अच्छा वो ये कह रहे हैं कि जजेस बताएंगे आप अपने कमेंट्स रिजर्व रखें तो जनाब फिर जजेस का कमेंट लेते हैं और सुनते हैं कि जजेस क्या कह रहे हैं शुरू करते हैं सुंबल राजा से जी सुंबल क्या कहिएगा आप इन दोनों भाइयों के बारे में बहुत अच्छा आवाज भी बहुत अच्छी है ये ट्रैक बहुत खूबसूरत बना हुआ था ट्रैक और अगली जो कोल्ड कॉल है वो है फरीहा परवेज के लिए जी फरीहा आप बताएं क्या कमेंट्स एटलीस्ट इट्स अ न्यूअर साउंड आजकल के दौर का जो एक साउंड चल रहा है उस हिसाब से क्योंकि जाहिर है वक्त तो चेंज होते रहते हैं और उन वक्तों के साथ साउंड्स भी चेंज होते हैं और वो हमें एक्सेप्ट भी करने पड़ते हैं मगर पॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से और आजकल के म्यूजिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत दफा मेलोडीज बहुत ही ठंडी और बड़ी हल्की भी होती है मगर मुझे मेलोडी भी थोड़ी सी पसंद आई है मतलब इट्स रियली साउंडिंग वेरी नाइस एंड इट वाज अ वेरी गुड एफर्ट आई थिंक जी शाजिया मुझे जुहेब अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं अभी डिस्कस भी यही कर रही थी
कि हम लोगों ने ये एक बना ली, मिथ बना ली है कि जो पॉपुलर म्यूजिक है उसमें आवाज की जरूरत नहीं है। सही बात। और मुझे ये कभी समझ में नहीं आया, मेरी अपनी फीलिंग है। अगर पॉपुलर म्यूजिक को हम फॉलो करते हैं तो आपके पास मैडोना, माइकल जैक्सन, मारिया कैरे, सेलिन डियोन, विटनी ह्यूस्टन, ये सब पॉप सिंगर्स कहलाती हैं पूरी दुनिया में। और ये सब वो हैं कि जो क्लासिक गाती हैं। ये साथ जो बैठी हुई हैं आपकी, ये तो हैं ही बहुत। मैं कहती हूँ जी, मैं शागिर्द में नहीं कर रही हूँ, चौथे मोहल्ले हर बात में आ जाते नहीं सर आज, मतलब नहीं, नो डाउट। देखें, ये भी पॉप गाती हैं, नो डाउट, और क्लासिकल भी उतना ही जानती हैं, ये मुझे पता है। मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप जिस जॉनरा में फॉल कर रहे हैं एक्चुअली वो पॉपुलर है, और मुझे खुशी ये हुई कि पॉपुलर में सुरीला भी है साथ। ये एक आपका प्लस है जो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। क्या बात, जबरदस्त, थैंक्स अ लॉट। हाँ, एक चीज जरूर है, कंपोजिशन पे गौर जरूर कीजिएगा। आप हर दफा टारगेट ये मत करें कि आपके सामने मासेज हैं, क्लास भी होती है। बिल्कुल सही है, बिकॉज़ हमेशा वो जरूर मद्देनजर रखिएगा, आपके पास आवाज है। उस्ताद हामिद अली खान साहब, सर आप इनके सुरों को, इनकी लय को, आवाज को कहाँ पर देखते हैं? पॉप म्यूजिक के हिसाब से बहुत अच्छा गाया इसने, लेकिन कंपोजिशन पे मुझे थोड़ा सा है कि वो ऊपर वाले सुर को टच नहीं किया, मिडिल में सारा रहा, लेकिन उस हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गाया। खवातीनों हजरात, अब बारी है स्कोर्स की, और अब लेते हैं जी फाइनल स्कोर। सर आप क्या कहते हैं? हामिद अली खान साहब, सर उस्ताद मोहतरम, आप आज शुरू कीजिए जरा स्कोर्स। मैं बड़े तो मेरा ख्याल हिस्से में साथ ही आया हुआ नहीं, मुझे ये लग रहा है कि शायद हामिद साहब के पास सिर्फ ये हामिद साहब के हाथ में सातों सुर है, माशाल्लाह, इसलिए वो आगे पीछे नहीं हो रहे तो वो मुश्किल होता है सुरीले आदमी के लिए, वो साथ में इंसाफ ही बर्दाश्त नहीं कर रहा, तो मैं खान साहब के पीछे ही हूँ आज। फरिया जी, आपने भी एका तो नहीं कर लिया कहीं? एका नहीं है, मगर एका ये एका निकाला जी आपस में जब आप मशवरा करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो फिर बिल्कुल जब मशवरा करते हैं तो सब एक जैसा ही हो जाता है। 7 points। तो जनाब, जजेस ने स्कोर्स दे दिए हैं, उनका टोटल भी देखते हैं, और आपने जो हमारी स्टूडियो ऑडियंस है उन्होंने भी वोट करना है, उन्होंने भी नंबर्स देने हैं, तो आप भी जरूर नंबर दीजिए हमारे इन पार्टिसिपेंट्स को, और हम देखते हैं कि जो जजेस ने स्कोर दिया उसका टोटल क्या है। 21, 7 into 3। जी जनाब, अब कुछ हालात बेहतर हुए हैं मन के, हाँ जी, अब थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं, हाँ जी। तशरीफ रखिए, और कॉन्टेस्ट में आगे क्या होता है ये देखिए। स्मार्ट लग रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान खालिद, भरपूर तालियों में इनका इस्तकबाल करते हैं। बात यह है कि मैंने कहीं पे सुना था कि सुर बहुत भारी होते हैं, तो मेरा ख्याल है आपने उन सुरों के लिए ही जिम भी ज्वाइन किया हुआ है। अब छोड़ दिए, अब छोड़ दिया, हाँ, काफी अर्से से छोड़ा हुआ है। सुर काबू में आ गए इसलिए या क्या? सुर तो कभी भी नहीं काबू में आ सकते, मेरे ख्याल से इट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर लाइफ, लेकिन कुछ ना कुछ काबू में आया हुआ है। चलें जी, जो कुछ काबू में आया हुआ है वो हम सुनना चाहेंगे, लेकिन ये है कि अब कॉम्पिटिशन आपके सामने है, जरा बहुत सख्त है, कॉम्पिटिशन हो गया भाई। इनफैक्ट बहुत अच्छा गाया, आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड मे द बेस्ट। उनसे बेहतर गाएंगे ना आप? मेरी कोशिश होगी, अगर आप इजाजत दें मैं कुछ कह सकता हूँ। उनसे बेहतर गाएंगे ना आप? कोशिश करूंगा। क्या क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो गाना मैंने लिखा था, आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं मुल्क से बाहर था, 15 साल पहले लिखा था मैंने। अच्छा। और ये मैं अपनी बेटी को डेडिकेट करना चाहता हूँ, ये कहते हुए कि अल्लाह करे कि तू यू ग्रो अप टू सी अ खुशहाल पाकिस्तान। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।